ग्रामीण के क्षेत्रों में कार्यरत भारतीय डाक सेवा के कर्मियों ने अपनी मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पिछले कल से शुरू कर दी है, जिसके चलते दूसरे दिन भी मंडी शहर में सैकड़ों डाक कर्मियों ने रैली निकालकर इसका विरोध किया। इस दौरान केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए ग्रामीण डाक कर्मियों ने शौक नहीं मजबूरी है, अब हड़ताल जरूरी है का नारा देते हुए अपनी मंशा जाहिर कर दी। इस मौके पर अखिल भारतीय ग्रामीण डाक कर्मचारी संघ के मंडली महासचिव युद्ध कुमार शर्मा और मंडली प्रधान अनिल शर्मा ने कहा कि ये अनिश्चितकालीन हड़ताल मंगलवार सुबह 6:30 बजे से शुरू हो गई है। उन्होंने कहा कि ये हड़ताल ग्रामीण डाक सेवकों को 7वां वेतन आयोग लागू न करने के विरोध में की जा रही है। उन्होंने कहा कि इससे पूर्व भी 15 मार्च 2018 को 10,000 ग्रामीण डाक कर्मियों ने नई दिल्ली स्थित रेस कोर्स मार्ग प्रधानमंत्री के आवास के बाहर धरना प्रदर्शन किया था, लेकिन हर बार सरकार की ओर से कोरे आश्वासनों के सिवाय कुछ नहीं मिला है। उन्होंने ऐलान किया है कि इस बार ये हड़ताल तब तक जारी रहेगी जब तक प्रधानमंत्री की ओर से रिपोर्ट लागू करने के आदेश जारी नहीं कर दिए जाते। हमारी ये स्ट्राइक 22/5/2018 से चली हुई है। अनिश्चितकालीन हड़ताल ग्रामीण डाक कर्मचारियों के वेतन और भत्तों की संरचना के लिए सरकार ने 2014 में कमेटी का गठन किया था, कमलेश चंद्रा समिति, जिस समिति ने अपनी रिपोर्ट नवंबर 2016 में सरकार को और विभाग को सौंप दी थी, लेकिन विभाग और सरकार की दोगली नीतियों के कारण ये आज दिन तक लागू नहीं की गई और हमारे साथ छल और धोखे की राजनीति की जा रही है। मैं मोदी सरकार को सचेत करना चाहता हूं कि जब तक ये कमलेश चंद्रा समिति की रिपोर्ट को लागू नहीं किया जाता तब तक ये इंडेफिनेट स्ट्राइक जो वापस नहीं ली जाएगी। साथियों, आपको मालूम होगा कि हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री दूर दराज के देशों में, बाहर के देशों में, फॉरेन कंट्रियों में घूमने के लिए उनके पास पैसा है, लेकिन जीडीएस बंधुओं के लिए, जीडीएस की पे कमीशन को लागू करने के लिए उनके पास ना तो वक्त है ना तो पैसा है। तो मैं इस मंच के माध्यम से प्रधानमंत्री महोदय को सचेत करना चाहता हूं कि ये निचली श्रेणी के कर्मचारियों को अपने लाभों से क्यों वंचित रखा है। अब जब तक ये स्ट्राइक चलती रहेगी जब तक ये कमेटी रिपोर्ट को लागू नहीं किया जाता। हड़ताल के चलते गत दिवस मंडी मंडल के सभी शाखा डाकघर बंद रहे, जिसके चलते ग्रामीण क्षेत्रों में चिट्ठियां भी नहीं बांटी गई और न ही किसी तरह का कोई लेन देन का काम हुआ।